अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल माशाल्लाह हैदराबादी रेसिपीज़। में आज हम बनाएंगे तिल फल्ली से टमाटर की चटनी। इसके लिए मैं ली हूँ टमाटे 1 किलो, फल्ली 200 ग्राम, तिल 100 ग्राम, मिर्ची 1 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, तेल 3 टेबलस्पून, बघार के लिए जीरा 1 टीस्पून, राई 1/2 टीस्पून, इमली 50 ग्राम, हरी मिर्ची 8 से 10, पुदीना 1 कट्टा, करियापत 1 कट्टा। तिल और फल्ली भून ली भाई, अब हम इसको पीसेंगे। अब हम टमाटर को भूनेंगे। कढ़ाई रख दी चूल्हे पे, मैं कढ़ाई गरम हो गई, टमाटर डाल दिए। अब हम इसमें डालेंगे मिर्ची, हल्दी, नमक। हम इसको अच्छे से मिलाएंगे और 10 मिनट के लिए पकने के लिए खाली ढक के छोड़ देंगे। देखिए माशाल्लाह हमारे टमाटरों का पानी अच्छे से सूख रहा। अभी और 5 मिनट रखेंगे। देखिए माशाल्लाह हमारे टमाटर अच्छे से भुने गए। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम हरी मिर्ची को भी तलेंगे। मैं कढ़ाई रख दी चूल्हे पे, तेल डाल दी, तेल गरम हो गया, हरी मिर्ची डाली। देखिए माशाल्लाह हमारी हरी मिर्ची भी तल के रेडी है। अब हम इसको निकालेंगे। तिल फल्ली को पीस ली मैं। अब हम इसमें टमाटर ठंडे होने के लिए रख दी थी ना, टमाटर डाल दूँगी। अब हम इसको पीसेंगे। इमली को भिगा के रखी थी मैं, अब ये इमली भी डाल दी। टमाटर को पीस ली मैं। अब हम इसमें पुदीना डाल देंगे। हम हरी मिर्ची भी डालेंगे, डाल के अच्छे से ग्राइंड करेंगे। देखिए माशाल्लाह हमारी चटनी पीस के रेडी है। अब हम इसको बघारेंगे। बघार के लिए तेल रख दिए मैं। अब इसमें डालेंगे जीरा, राई। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, डालेंगे बघार की मिर्ची, अब डालेंगे करियापत्ता। देखिए हमारा बघार रेडी है। अब हम इसको चटनी में डालेंगे। चटनी में थोड़ा नमक कम है, नमक डालिए, आप लोग भी टेस्ट करके डालना। अब हम इसको बघारेंगे। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही। देखिए माशाल्लाह हमारी चटनी बनके रेडी हो गई। आप भी घर पे ट्राई करिए, बनाइए। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। दुआ में ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।